बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से उम्मीद करूँगा आप सब भाई खैरियत होंगे। ये हश पपीज़ का बॉक्स है, ये हश पपीज़ के सैंडला ईट कलेक्शन 2023 बिल्कुल न्यू चीज़ आई है। आज मैं भाइयों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको हश पपीज़ के लेदर और क्वालिटी और सॉफ्टनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हश पपीज़ के सैंडल बिल्कुल ही न्यू, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश चीज़ हश पपीज़ की आई है। बहुत ही प्यारे ये सैंडल है हश पपीज़ के। ये बकल स्टाइल लगा हुआ है, बकल में इससे आप इसकी फिटिंग जितनी मर्जी टाइट और लूज कर सकते हैं। ये बकल स्टाइल लगा हुआ, ये अपर इसका टोटल लेदर में सारा, ये अपर मुकम्मल लेदर का, पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शाइनिंग ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही इसकी शाइनिंग रहेगी, इसको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैजिक पे हश पपीज़ लिखा हुआ है, हश पपीज़। ये अपर इसका देखिए कितना सॉफ्ट है, ये ब्रिक ब्रिक स्टेपिंग है, ये पहला स्टेप है इसका। फिटिंग जितनी मर्जी लूज और टाइट कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेप है, ये वैसे डिजाइनिंग की हुई, ये पंचिंग है सारी, इसकी गोल शेप है, गोल शेप है। ये स्टेप इसके मुकम्मल फोल्डिंग है, आधे आधे स्टेप नीचे हैं। ये मैजिक लगी हुई, इसको जैसे मर्जी यूज़ करें, जैसे मर्जी, ये मैजिक ख़राब नहीं होगी, इस चीज़ की फुल टाइम गारंटी है। ये मैजिक जो होती है, ये सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत मैजिक होती है, इसका ख़राब होने का कोई इशू नहीं होता। ये मुकम्मल सॉफ्टनेस है और इसका इंसोल टोटल मुकम्मल लेदर में है सारा। ये HP लिखा हुआ है हश पपीज़। ये बैक सोल इसका देखें कितना फ्लैट और कितना कंफर्टेबल सोल है। ये बैक हील सारी स्टिचेबल है, सिलाई की हुई मुकम्मल प्लान की जड़ाई है। देखें कितनी खूबसूरत और मुकम्मल फोल्डिंग ये सारी चीज़ है। और बहुत ही प्यारा सैंडल है, बहुत ही प्यारी फिटिंग इसकी आती है। वजनी पाँव हो, स्मार्ट पाँव हो, बहुत ही प्यारी फिटिंग है, बहुत ही खूबसूरत सैंडल है। इसकी लुक, इसका स्टाइल बहुत ही प्यारा है। ये जैसे मर्जी आप कैजुअल यूज़ कर सकते हैं, इसको आप फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, सलवार कमीज़ के नीचे पैंट शर्ट के साथ इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत चप्पल है और सॉफ्टनेस सैंडल है। ये वाला सैंडल वो बहुत ही खूबसूरत है और मुकम्मल ये लेदर है सारा, इसका अपर टोटल ये सारा ही लेदर का है, मुकम्मल अपर इसका सारा ही टोटल लेदर है और कंफर्टेबल और वन पीस लेदर में फोल्डिंग है सारी। इसको जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, ये देखें कितनी लचक है, इसको जैसे मर्जी फोल्ड कर सकते हैं। ये स्टिचेबल है, इसको सबसे बड़ी बात कि इसको रिंगर वगैरह नहीं आएंगे, इससे ना आपके पाँव में पसीना आएगा ना स्मेल आएगी। जेल जेल सिस्टम सोल है, ये देखें ये इंसोल सारा जेल सिस्टम है, कंफर्टेबल है और सुकूनेबल चीज़ है। आपके पाँव में ना इसके नीचे से किल गुजरेगा, ना कंडा गुजरेगा, ना इसके नीचे से बजरी गुजरेगी। जैसे मर्जी इसके साथ आप चलें और जैसे जैसे आप इसको और जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल, उतनी ज़्यादा आरामदेह चीज़ बनती जाएगी, सॉफ्टनर चीज़ होती जाएगी। ये मुकम्मल लेदर है, इससे आप 24 घंटे 18 घंटे खड़े होकर काम भी करें, आपके पाँव की हड्डियाँ नहीं दर्द करेंगी, आपके पाँव की हड्डियाँ नहीं दर्द करेगी, आपके पाँव में पसीना नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी। जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा आरामदेह चीज़ होती जाएगी। हश पपीज़ का जूता जो होता है, ये लॉन्ग टाइम चीज़ें होती हैं, ये ख़राब होने वाली नहीं है, इसको आपने खुद ही फेंकना है सालों के हिसाब से। ये कंफर्टेबल है, आरामदेह चीज़ है। जो इंसान एक दफ़ा हश पपीज़ का जूता पहन लेगा, मैं फुल गारंटी से कहता हूँ वो दूसरा जूता कभी नहीं पहनेगा, इतना कम्फर्टेबल, इतनी आरामदेह चीज़ और मुकम्मल लेदर में है ये वाला। ये मुकम्मल मेडिकेटर होती है, शुगर वाले भाइयों के पाँव बहुत ही नाजुक होते हैं, वो कहते हैं लाइट वेट जूता आना चाहिए और सॉफ्टनर चीज़ होनी चाहिए। ये सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्टनर चीज़ होनी चाहिए कि पाँव को मसला ना बने, पाँव दर्द ना हो, पाँव में पाँव को जूता तंग ना करे, क्योंकि उनका मसला बहुत ही सीरियस होता है। मसाज केयर की ज़्यादा से थोड़ी सी केयर ना की तो उसके पाँव को ज़ख़म बन गया तो वो इंसान कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये इतना कम्फर्टेबल है, ये देखें इसको मैं जैसे मर्जी फोल्ड करना, ये शुगर वाले भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कैजुअल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे रफ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही प्यारा सैंडल है, बहुत ही सॉफ्टनर चीज़ है, मुकम्मल लेदर में, इसको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शाइनिंग ऐसे ही रहेगी। इसको आप शाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर शाइनर यूज़ करना है कलम तो वैसे ही इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 6500 रुपया, पूरे पाकिस्तान में 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्जिंग होगी। जिस भाई को इसके साइज़ कलर के बारे में पूछना कमेंट में मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत ही कम्फर्टेबल, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सॉफ्टनर चीज़ है और मुकम्मल लेदर में। इसका सोल देखें, बिल्कुल फ्लेयर सोल है, कंफर्टेबल चीज़ है, बिल्कुल फ्लैट सोल में है। ये आजकल सोल ये चीज़ चल रही है, फ्लैट सोल। और सोल देखें, ये नीचे हश पपीज़ लिखा हुआ है, सोल देखें कितना ग्रिप वाला है, स्लिप होने वाला सोल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारी चीज़ सोल है, सॉफ्टनर चीज़ है और मुकम्मल फोल्डिंग है, स्टिचेबल है। और सबसे बड़ी बात, इसको रिंगर वगैरह भी ऐसे नहीं आएंगे, जैसे मर्जी यूज़ करें, और कम्फर्टेबल और आरामदेह चीज़ है।
ये बहुत ही प्यारा सोल है, ये देखें इसको जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। ग्रिपिंग वाला सोल है, स्लिप होने सोल में लचक देखें कितनी है, और सॉफ्ट जूता है ये वाला। इसको फंक्शन वगैरह में जैसे मर्जी यूज़ करें, और बहुत ही सॉफ्ट है, चीज़ा पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑफिस में भी जैसे मर्जी यूज़ करें। जो भाई डेली बेस पर मार्केट विजिट करते हैं वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड का जूता हश पपीज का यूज़ करें। आप जितने मर्जी किलोमीटर चलेंगे आपके पाँव में कंफर्टेबल आरामदेह चीज़ होती है, ये जूता खुद आपको चलाएगा और नसाएगा जैसे मर्जी, आपको ऐसे ही थकन ही नहीं होगी, उससे ही आपको पता चलेगा मैंने ये जूता पहना ही नहीं हुआ। इतनी सॉफ्टनेस और इतनी कंफर्टेबल चीज़ है, ये मकम्मल लेदर में है, ये ले प्योर लेदर, हश पपीज का लेदर जो होता है ये सबसे अच्छा और सबसे महंगा कास्टली लेदर ये लगाते हैं हश पपीज वाले। हश पपी इंटरनेशनल ब्रांड है, ये कम से कम 150 मुल्क में है। हश पपीज खुद अपना ब्रांड है, ठीक है, ये अमेरिका का है, बाहर से अमेरिका का ब्रांड है, ये खुद अपना ब्रांड है। ये आपको हश पपीज की असल शॉप से ही ये आर्टिकल मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मैं उम्मीद करूंगा आप भाइयों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि आपको मेरी नई से नई वीडियो की डिटेल जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। अपना और मेरे चैनल का ख्याल ज़रूर रखना है, और दुआओं में याद ज़रूर रखना है, और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइटम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको मेरी नई से नई वीडियो की डिटेल मिलती रहे। अल्लाह आपको आपके फिसो मान में रखे, अपना और मेरा ख्याल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।